हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है? सब ठीक है दोस्तों। आप लोग तो जानते हैं कि सैमसंग ने कुछ ही दिनों में अपना 854 5G स्मार्टफोन को इंडिया मार्केट में लॉन्च करने वाला है। इसका ऑफिशियली इंडिया का लॉन्च डेट कंफर्म कर दिया गया है। और दोस्तों, इसका इंडिया का क्या प्राइस रहने वाला है, क्या कुछ कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, इंडिया में कितने वेरियंट के साथ में लॉन्च हो सकता है, आज के वीडियो में इस स्मार्टफोन का फाइनल अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना। दोस्तों, इस स्मार्टफोन का फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज दिया गया है। ये 6 जून को इंडिया मार्केट में लॉन्च हो रहा है। तो चलिए फटाफट इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो बैक से तो देखने में बहुत बेहतरीन दिखता है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा और बैक से भी आप देखते हैं तो ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में अच्छा खासा दिखता है बैक से भी। वहीं हम डिस्प्ले साइज की बात कर ले तो 6.7 इंच का एक 120 हर्ट्ज के साथ में एमोलेड डिस्प्ले, सेंटर में पंच होल के साथ में HDR 10 प्लस भी रहेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन रहेगा और अच्छा खासा इसमें ब्राइटनेस भी मिलने वाला है, यानी कि एमोलेड के साथ में बड़ा डिस्प्ले भी मिलने वाला है। वही प्रोसेसर दोस्तों मिलता है सैमसंग का खुद का ही, इसमें एग्जीनस 1380। ये प्रोसेसर ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये पावरफुल प्रोसेसर भी है, नया प्रोसेसर है। एक तरह से कहिए ना कि ये प्रोसेसर में कोई आपको कमी आने वाला नहीं है। अगर आप गेम भी खेलेंगे ना, BGMI जैसी, पबजी जैसे गेम खेलेंगे तो आपको इसमें 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा और 60 FPS को अच्छा से हैंडल कर लेगा ये प्रोसेसर। इस प्रोसेसर में कोई उतना गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रहा है। गेमिंग भी अच्छा खासा हो जा रहा है। LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और लेटेस्ट OneUI पर ये रन करने वाला है। वही अगर हम दोस्तों वेरिएंट की बात कर ले तो ऐसे लीक्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा। 6GB 128GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB। ये 3 वेरिएंट में आएगा तो ठीक ठाक है। ऐसे भी तो सैमसंग 6GB से 8GB से स्टार्ट ही करता है। हालांकि इसमें आपको 6GB का स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB 128GB का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। वहीं अगर हम कैमरा की बात कर ले तो दोस्तों इसमें आपको 108 MP का मेन कैमरा मिलने वाला है, साथ में OIS भी रहेगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का माइक्रो। फ्रंट में आपको 32 MP का मिल जाएगा। वहीं अगर हम सेंसर की बात कर ले तो इसमें दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंगल स्पीकर रहने वाला है, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर हम इसका बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें बैटरी नहीं, एक बैटरा देखने को मिलेगा 6000 mAh के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करेगा आपको 25 W का फास्ट चार्जिंग, लेकिन कोई ठीक नहीं है कि सैमसंग ने डब्बे में प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा। 50-50 चांस है, कुछ ऐसा चांस लगता है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि सैमसंग ने अब अपने स्मार्टफोन के डब्बा से चार्जर गायब करने का स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही दिनों में बजट का भी स्मार्टफोन में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। और वहीं हम प्राइस की बात कर ले तो लीक्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो 6GB 128GB रहेगा ना, आपको 23,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये के देखने को मिलेगा 6GB 128GB। तो दोस्तों, आप लोगों का ये स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर आपको 23 से 26 के अंदर में, यानी कि 25-26 के देखने को मिल जाए तो कैसा लगता है? आपके हिसाब से ये स्मार्टफोन ठीक है कि नहीं है, या इसमें कमी लगता है आपको, या ये प्राइस ठीक है, या इस स्पेसिफिकेशन के साथ में ये प्राइस ठीक नहीं है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बाय करने का सोचे हो कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये रहा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और प्राइस। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूँ ना तो नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नया वीडियो में, वीडियो देखने के